अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और पबजी का बेहतरीन सा गेम प्ले, सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत में। पहली बात, इस वीडियो को पूरा देखना। दूसरी बात, तुम लोगों ने बहुत गलत किया, मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, वो जाके एक बार देखो, मज़ा आएगा। अच्छी वीडियो है, फनी वीडियो है, प्लीज़ जाओ और आखिर में आ जाएगी, बिल्कुल जाओ और जाके देखो। तो हम जा रहे थे मिलिट्री बेस, और यहाँ पे होने वाला है, मतलब यहाँ पे 10 बंदे उतरे थे और अल्हम्दुलिल्लाह 9 मैंने मारे, और इतने प्यारे प्यारे मारे ना कि बस तुम लोग देखोगे तो खुश हो जाओगे। बस अपनी उंगली को डालो अपनी जेब में, टच मत करना स्क्रीन पे, आगे मत लेके जाना। और हम जा रहे थे मिलिट्री बेस के, हमको जाना था मिलिट्री बेस, इसलिए मिलिट्री बेस जा रहे थे। तो ऐसा है कि 9 बंदे मारे मैंने यहाँ पे, सिर्फ सिर्फ यहाँ पे। बड़ा मजा आया, मुझे पीपी मिल गई, 30 गोलियां थी मेरे पास सिर्फ, मैंने देखो एमओ नहीं उठाई मेरे हाथ में। भाई ये साउंड आता है मुझे कि पीछे कोई बंदा आया है, आया, हाँ आ गया साउंड। और अब मैं उस बंदे को देखने जा रहा हूँ, तो उसने उठा ली म्यूटेंट, और अच्छी बात थी मेरे पास सिर्फ हेलमेट है वो लेवल 1 का, जो कि ना हो तो बेहतर हो। मेरी 1 HP रह गई सर, सिर्फ 4 गोलियों में मेरी 1 HP रह गई, और फिर मैंने मारा उसको। इस बात के लाइक ठोको, चलो नहीं ठोको, आगे खुद ठोक दोगे, ऐसे ऐसे क्लचेज आए। फिर मैंने फ़ौरन से M4 उठा ली, M4 मिल गई, बैरल मिल गई थी, बेहतरीन चीज़ हो गई जी। फिर मैंने फ़ौरन से हीलिंग की, और मौके की नज़ाकत को देखते हुए हम घुस गए अंदर। साउंड मुझे कोई नहीं आ रहा था, फिर साउंड आता है, कुछ साउंड आता ही नहीं, बल्कि हाँ साउंड आता ही नहीं है। फिर मैं चल जाता हूँ ऊपर, क्योंकि बंदा आ ही नहीं रहा है कोई, ना साउंड आ रहा है, और गोलियाँ चल रही हैं, बंदे बंदे ऐसे ही मर रहे हैं। तो मैं जल्द ऊपर चल जाता हूँ, ऊपर जाके लूट करना शुरू कर देता हूँ। फिर साउंड आता है कि नहीं, अब पीछे से कोई बंदा आ रहा है, और ये ना शायद वो मज़ार को और फैक्ट्री को लूट के आ रहा होता है। आया, हाँ ये आ रहा है, और मैं तैयार विदाउट हेलमेट, और ऐसे सर्दी कैसे काम मार रहा है ये, चर सर पी हुई है इसने, वहाँ कौन है, यहाँ खड़ा हूँ मैं, क्या हो रहा है आजकल। और अभी ना, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इतना कोई गंदा कैंपर मिलेगा ना, तुम लोग देखोगे और लानत भेजोगे उस पर, देखना कन्फर्म लानत ही है वो, तो बहुत बड़ा लानती है, इतना मतलब वाहियात आदमी था। अब देखना कैसे बचाऊँ मैं। मैंने फिर हिल तो नहीं की, मैं लूट करने लग गया। साउंड देख लो, जब से मैं ऊपर आया हूँ वीडियो पीछे करके देखो, साउंड एक बार भी नहीं आया कि कोई बंदा है भी। ये तो वहाँ उस बिल्डिंग से आ रहे हैं ना, साउंड नहीं आया कोई बंदा है भी यहाँ पे। ठीक है भाई साहब, ऐसे होता है, ये दुनिया थी, ये दुनिया है, ये दुनिया रहेगी। ठीक है कैरी नाटी भाई, जिंदाबाद। अब सामने मैंने देखो क्या क्या हुआ है, मैं चुप हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं खामोश हूँ, बिल्कुल बिल्कुल चुप, मैं चुप हूँ, मैं नहीं बोलूँगा, अब से नहीं बोलूँगा मैं। अब बोल लेता हूँ, चलो 1 किलो हो गया, अभी देखना क्या क्या हुआ, देखते रहो चुप होके। क्वारंटीन लगा हुआ है, लॉकडाउन वॉकडाउन है, कोई कहीं नहीं जा रहा, मोबाइल पकड़ के मेरी वीडियो दिखा करो बस, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ऐसे ही नहीं होता है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं चुप हूँ। 4 किलो गए हैं, 5 किलो गए हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं चुप हूँ। ये तमाचा उनके लिए जो मुझे नूब नूब कहते हैं, मैं नूब हूँ, पर नूब हूँ मैं, पर ये उनके लिए सिर्फ, मैं चुप हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं चुप हूँ, मैं नहीं कह रहा कुछ भी, मैं खामोश हूँ। साउंड आता है ऊपर बंदा है, मुझे अभी तक लगता था कि ये बंदा छत पे है, क्योंकि साउंड ऐसा आ रहा है, मैं साउंड के मामले में बहुत कमज़ोर हूँ अभी भी। फिर समझ में आता है ये बंदा यहीं पे है, और ये मुझे लगा दरवाजे के, मतलब उस दीवार के भी पीछे खड़ा है, ये वहां से टीपी पी ले रहा है। चार, ये तीनों क्रेट्स मेरे हैं, समझ रहे हो, ये 4 के 4। और ये देखो, वाह भाई वाह, क्या हो रहा है, क्लचिस पे क्लचिस साई, रैम तो है ही नहीं। 8 किल अल्हम्दुलिल्लाह, 10 आए थे, 8 किल निकाले हैं मैंने, एक बॉट मारा है। इतना मेरे को खुशी हो रही थी ना कि बस कोई अंदाजा नहीं है सर, ये टोटल सयापा हो गया था यहाँ पे। अभी मैं तुम्हें बात बताता हूँ, एक बंदा अभी भी यहाँ पे था जिसको मैं छोड़ के ऐसे आ गया था, और फिर मैं गाड़ी लेके यहाँ आ गया, तो यहाँ पे एक बंदा दिखता है, घबरा जाता हूँ मैं बहुत और उतरता हूँ, इसको मारने की कोशिश करता हूँ, ना इसकी गोलियाँ मुझे लगती, ना मेरी गोलियाँ इसको लगती, क्योंकि वो बॉनट आ जाता है। फिर मैं कर देता हूँ कंप्लीट रोटेट, पीछे से फुल घुमा के रोटेट कर रहा हूँ मैं, हाँ समझ गया हूँ मैं, तुम लोग जो, मैं समझ समझता हूँ, तुम लोग मुझे ऐसी बेवकूफ़ समझ रहे हो, समझ चुका हूँ मैं। अब वो बंदा पीछे वाले वेयर हाउस, फार्म बार्न हाउस से घूम रहा है,
और मैं जस्ट यहाँ आ गया क्योंकि मुझे पता था कि दोनों लोकेशन को अगर आपको देखना है तो ये जगह सबसे बेस्ट है, क्योंकि दोनों पर नज़र आएगा आपको। और यकीन करो ना, मुझे जो वो जो एकदम से मिलिट्री बेस में जो बंदा आया था ना सी बिल्डिंग के अंदर, ना मुझे उसका पता था, ना दरवाजे के पीछे वाले का पता था, और ना मुझे इसका पता था कि ये कहाँ से आ रहा है। बाई चांस बस जब होना होता ना, ये खुद ही हो जाता है। देखो मेरी नज़र ऐसी चली गई, वो यहाँ पे बैठा है। वाह भाई वाह। और इसको क्या धोया मैंने, इसको तो समझ भी नहीं आया बंदा क्या कहाँ। अल्ट्रा प्रो कैंपर बन गए थे हम, 10 किल्स हो चुके हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम अपने कार उठाते हैं, 8x मिल जाता है। ओम और M24 का तो कोई सवाल ही नहीं है, दिखती नहीं है अब तो। फ़ौरन से जोन चल जाता है, जैसे ही मैं लेटता हूँ तो मैं जस्ट उठाता हूँ अपनी कार उठाता हूँ मैं। पहले मैं ऐसे बंदे दिख रहा होता हूँ कि बंदे कहाँ कहें। अभी ड्रॉप भी हुआ था पीछे करके, देखोगे तो मैं ड्रॉप दिखा था। यार प्लीज़ देखो लाइक कर दो, क्योंकि लाइक बनता है। इतने अच्छे अच्छे कलर की जरूरत है सिर्फ तुम्हारे लिए मैं लेके आ रहा हूँ, इतनी मेहनत चल रही है, बस प्लीज़ लाइक कर दो। अगर आप लास्ट जोन में हो ना, मतलब आखिरी के 3-4 जोन है, तो कार अपने पास हमेशा रखो, क्योंकि बहुत कम होता है कि एक बंदे ने मशीन गन से या DP से कार फाड़ दी, ये बहुत कम होता है। तो कार हमेशा बेस्ट है। मैं ड्रॉप पे जा रहा था, मुझे नहीं पता होता कि बंदा यहाँ पे है गरोदा के साथ, और मैं कोशिश करता हूँ। ये देखो इस घटिया गेम की ग्लिचेस, ये देखो प्रॉपर आवाज़ आई है, बंदा कुचला गया कार के लिए। फ्री मनु जिंदा कैसे खड़ा है, ना ये लेटा था क्या, कैसी गेम है ये, कौन बनाता है इसको, कौन खेलता है, मैं तो नहीं खेलता इसको। इतनी गंदी मेरी घर वाले इतनी ऐसी गालियाँ दे देंगे, क्या गेम है ये, ऐसी दिमाग ख़राब। अब मैंने कर दूंगा मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड, कैंटेट 6X M4 पे और कार 98 पे 8X पर कैंटेट। हाँ कैंटेट बेहतरीन चीज़, A1 मतलब ये हो जाता है क्लास का। और थर्ड लेवल की वेस्ट, थोड़ी सी डैमेज, थर्ड लेवल का हेलमेट। अब मैं ना कवर टू कवर जा रहा हूँ, क्योंकि 3 बंदे बचे हैं और ये दोनों बंदे मेरी नज़रों के सामने थे, लेकिन मैं नहीं मारता। और आप लोग भी, मेरे मशवरा ये है, देखो मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊँ टिप्स दूँ, मेरा बस मशवरा दे सकता हूँ मैं आपको। मशवरा ये है कि जब भी 2 बंदे हों, 3 बंदे हों तो आपके अलावा, तो 2 बंदों पर आप नज़र रखो और उनको मारो मत, आप थर्ड पार्टी कर दो। इस बंदे ने एक नेट से मार दिया, और अब जब नेट गिनना, इसके पास कितने फालतू नेट थे पता नहीं, क्या घर से लाया था या घर लेके जा रहा था, पूरे रैंगल के नेट इसके पास आ गए थे, पता नहीं कहाँ से लेके आ रहा था ये नेट। 2 बंदे बचे, उसको मेरी लोकेशन पता है, मुझे उसकी लोकेशन पता है, वो सामने वाले घर पे। पहले मैंने यहाँ TP पी ली थोड़ी देर, प्लीज़ लाइक कर दो, फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे जाके, और सब्सक्राइब करवाओगे। और प्लीज़ 6 महीने हो गए, 80 वीडियोज़ या 80 वीडियो है मेरी इस चैनल की, अल्हम्दुलिल्लाह, और एक ही चैनल है मेरा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बहुत डिले जा रहे हैं। तो अभी एक ही बंदा बचा था और वो काफ़ी अच्छा खेलने वाला था, तो मैंने ऐसा करा कि कार 98 छोड़ के S12 की उठा ली, कि अगर 40 गोलियाँ चली जाती हैं और बंदा नहीं मरता तो S12 के ही काम आएगी, क्योंकि इसका तो एक शॉट से मैंने बड़े बंदे मारे हैं। मतलब OP OP क्लच ना, इससे मैंने देखे, और पहले कोई भी नहीं चलाता था ये, मैं सबके बारे में कह रहा हूँ, पहले कोई भी नहीं चलाता था, लेकिन जब से स्टार अनोनिमस ने 3 बंदे मारे थे ना, और सबको पता होगा कि कौन है स्टार अनोनिमस, फिर से सब ने ही लेना शुरू किया, और मैं भी जब से लेना शुरू कर रहा हूँ। अब देखता है, यहाँ पे मैंने बनाई छोटी सी मीम, कोशिश की है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बंदा कर रहा है नेड, और वो अब तक 5 नेड कर चुका है, पता नहीं कहाँ से लेके आया था, मेरा तो ये सोच सोच के सर में दर्द हो रहा था। नेड गिनते रहो उसके सिरा, ये पहला बंदा भी इसने नेड से मारा था। और अब देखना, स्लो मोशन की मैंने वीडियो को, गौर से देखना, यह आया नेड। क्या बात, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कोई मुझे मार सकता है, मतलब इतना क्या, ये क्या हो रहा है ये पबजी के अंदर। बंदे गाड़ी के नीचे से बच के जा रहे हैं, एक ही बंदा 9-9 बंदे मार रहा है, कैंपिंग हो रही है, साउंड दे लड़के, कैसे क्या हो रहा है। तो भाई उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और लाइक कर देना वीडियो को, और बस और क्या करोगे, बस दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।